हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर किसी संख्या का लास्ट में 1 है तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। ओनली 2 डिजिट। जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल 21 का क्यूब। 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे? पहले क्या करना है, 1 का 1 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 2 का 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 का करना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितने होते हैं, 4। और फिर 2 का करना है क्यूब। 2 का क्यूब कितने होते हैं, 8। आप लोगों को पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, तभी आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया, अब कुछ नहीं कर, इधर से एक अंक छोड़ करके इसका करना है डबल। 2 होता है डबल 4, और 4 का डबल होता है 8। इसको भी छोड़ देना है, बाकी क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। 1 का 1, 2 और 4 हो जाएगा 6, 4 और 8 हो जाएंगे 12, 12 का लिखेंगे 2, कैरी बचेगा 1, और 8 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 9। ये हो गया हमारा 21 का क्यूब। इसी तरह हम देख सकते हैं एक 31 का। 31 का निकालना है क्यूब, क्या करेंगे, 1 का लिखेंगे 1, फिर 3 का 3, फिर क्या करेंगे, 3 के करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 3 का करेंगे क्यूब हो जाएगा हमारा 27। तो लास्ट वाले अंक को और ये फर्स्ट वाले अंक को इसको छोड़कर बाकी जो बीच में बचता है उसको करना है डबल। 3 का डबल होता है हमारा 6, 9 का डबल होता है हमारा 18। अब सबको कर देना है ऐड। 1 का 1 हो जाएगा, 3 प्लस 6 हो जाएगा आपका 9, 9 प्लस 18 हो जाएगा 27, 27 को हो जाएगा आपका 7, कैरी बचेगा 2, 27 प्लस 2 हो जाएगा आपका 29। ये हमारा गया 31 का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग 41 का भी निकाल सकते हैं। क्या होगा आपका, 41 का हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, इसका क्यूब होता है आपका 64। क्या करना है, एक अंक इधर छोड़ना है और एक अंक इधर से, बीच वाले को क्या करना है डबल। 4 का डबल होता है 8, 16 का डबल होता है 32। सबको कर देना ऐड। 1 प्लस 1 1, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, एक कैरी बचेगा हमारा, वही 16 और 32 एक साथ जुटेंगे। 16 और 32 होते हैं 48 में हमारा कैरी 1 था 49 का लिखेंगे 9, कैरी क्या बचेगा 4, 64 प्लस 4 हो जाएगा आपका 68। यह 41 का हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।